हेलो टीम, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये इसका डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप टोटल कस्टमर, मेडिसिन आउट ऑफ स्टॉक का डेटा आप यहाँ पर चेक कर पाओगे, एक्सपायर मेडिसिन का डेटा देख सकते हो, इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट, बेस्ट सेल ऑफ द मंथ आप यहाँ पर चेक कर पाओगे, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट और आज का रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आपको जैसे भी कोई भी कस्टमर ऐड करना है तो सिंपली इस ऐड कस्टमर में जाएंगे, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, क्रेडिट कस्टमर का डेटा अलग देख सकते हो, पेड कस्टमर और कस्टमर का लिस्ट आप यहाँ पे चेक कर पाओगे, इजीली कस्टमर आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। कस्टमर का लिस्ट आपको चेक करना है तो यहाँ पे आपको कस्टमर का कंप्लीट डेटा मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इसको एडिट करना है, डिलीट करना है, वो भी पॉसिबल है। इसको कस्टमर को हमने डिफाइन किया हुआ है, क्रेडिट कस्टमर, पेड कस्टमर, इसके कस्टमर का यहाँ पर लेजर आपको चेक करना है, लेजर कर सकते हो, फिल्टर वाइज यहाँ पे चेक भी कर पाओगे। इसके बाद मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर का डेटा आप यहाँ पे डालना चाहते हो तो यहाँ पे डाल सकते हो, अपलोड करना है, सिंपली अपलोड हो जाएगा। और मैन्युफैक्चरर की लिस्ट आपको चेक करनी है तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, लिस्ट चेक करने के बाद मैन्युफैक्चरर का लेजर भी मिल जाएगा जहाँ से आप पूरा लेजर देख सकते हो, फिल्टर वाइज यहाँ पर चेक कर पाओगे। इसके बाद मेडिसिन का डेटा, तो मेडिसिन की भी डिफरेंट कैटेगरी होती है जहाँ पे आप कैटेगरी डाल सकते हो, कैटेगरी हो सकती है हेडेक हो सकता है, कोई भी पेन हो सकता है, कोई भी बड़ी बीमारी है, किसी भी से रिलेटेड आप कैटेगरी बना सकते हो। तो जो भी आप कैटेगरी बनाते हो उसका लिस्ट अब यहाँ पे आ जाएगा। उसके एड यूनिट करनी है तो यहाँ पे यूनिट बना सकते हो, जो भी आपका यूनिट रहता है, यूनिट की लिस्ट। इसके बाद टाइप आपको डालने हैं तो टाइप आप यहाँ पे डाल सकते हो, मेडिसिन किस टाइप की है, कैटेगरी के बाद यहाँ पे टाइप आ जाएगा। लीव सेटिंग है तो लीव सेटिंग आपको मैनेज करनी है, ऐड करना है तो यहाँ पे लीव का टाइप, टोटल नंबर हम यहाँ पे डालेंगे एंड देन ऐड। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐड मेडिसिन मेडिसिन का आ जाएगा, आपको मेडिसिन डालना है तो बार कोड और QR कोड यहाँ डालेंगे, स्टैंड कितनी है, बॉक्स का साइज, सेल्फ, कैटेगरी, मेडिसिन टाइप, मैन्युफैक्चरर ऐड सेलेक्ट करेंगे, मेडिसिन का नेम, जेनेरिक नेम, यूनिट डिटेल्स, प्राइस, इमेज, यहाँ पे प्रीव्यू क्या है वो, मैन्युफैक्चरर का प्राइस एंड देन सेव। तो यहाँ पे इस तरीके से हम मेडिसिन ऐड कर पाएंगे। ऐड करने के बाद उसका लिस्ट हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगा। इसके बाद ऐड परचेस करना है तो यहाँ से आप परचेस डाल सकते हो, ये देखिए परचेस का डेटा आ जाएगा, परचेस की लिस्ट आपको चेक करनी है। आपको ऐड इनवॉइस करना है तो यहाँ पे आप ऐड इनवॉइस कर सकते हो, यहाँ पे इनवॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा, इनवॉइस की जो भी लिस्ट आपको चेक करनी है इनवॉइस की लिस्ट आप यहाँ पर चेक कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा POS का भी ऑप्शन है, तो POS के लिए यहाँ पे आप मेडिसिन का डेटा आ जाएगा। अभी हमने कोई डेमो अकाउंट है तो अभी हमने कोई भी मेडिसिन का डेटा नहीं डाला हुआ है, आ जाएगा, सिंपली सिलेक्ट कर सकते हो मेडिसिन यहाँ पे और यहाँ पे बार कोड के थ्रू कर सकते हो, मैनुअल इनपुट बार कोड डाल सकते हो, यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट करेंगे एंड देन कैश पेमेंट, तो यहाँ पे पूरा POS वाइज भी हम अपना सेल दिखा सकते हैं। इसके बाद रिटर्न्स है तो कोई रिटर्न है तो वो जो आप इनवॉइस आपका आया है उसका रिटर्न आपको लिस्ट आप यहाँ पे चेक कर पाओगे, कोई मैन्युफैक्चरर रिटर्न लिस्ट है वो आप देख सकते हो, कोई वेस्टेज की रिटर्न लिस्ट है वो आप यहाँ पे देख पाओगे। इसके बाद स्टॉक रिपोर्ट आपको चेक करनी है तो यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट यहाँ पे चेक कर पाओगे, और यहाँ पे बैच वाइज आपको स्टॉक रिपोर्ट चेक करनी है वो कर सकते हो, अवेलेबल स्टॉक का डेटा यहाँ मिल जाएगा, कंप्लीट यहाँ पे चेक कर पाओगे। इसके बाद बैंक है तो आपको बैंक लिस्ट आपको चेक करनी है, बैंक लिस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो, नेम, अकाउंट नंबर, नेम, ब्रांच, सिग्नेचर आपको ऐड करना है, यहाँ से ऐड कर पाओगे, सिग्नेचर का प्रीव्यू आप यहाँ पे डाल सकते हो देन ऐड। तो इसके बाद अकाउंट्स का डेटा है तो चार्ट ऑफ अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, मैन्युफैक्चरर का पेमेंट, कस्टमर का रिसीव, कैश एडजस्टमेंट, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, वो सारे आ जाएंगे जहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हो, कंट्रा वाउचर रहेगा, जनरल वाउचर वो देख सकते हो, रिपोर्ट आ जाएगा तो कैश बुक रिपोर्ट, बैंक रिपोर्ट, जनरल लेजर, वो सारी रिपोर्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद ये रिपोर्ट आती है तो क्लोजिंग, यहाँ पे क्लोजिंग लिस्ट, सेल्स रिपोर्ट, यूजर वाइज सेल्स रिपोर्ट, प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, परचेस रिपोर्ट और परचेस रिपोर्ट कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद एम्प्लॉय में जाएंगे तो यहाँ पे डेजिग्नेशन आपको डालना है, डेजिग्नेशन डाल सकते हो, डेजिग्नेशन का लिस्ट मिल जाएगा, एम्प्लॉय का डेटा आपको डालना है, यहाँ से आप एम्प्लॉय को मैनेज कर पाओगे, आप एम्प्लॉय को एक सेल्फ लॉगिन भी दे सकते हो जिसके थ्रू वो पूरा मैनेज करेगा और यहाँ पे आप अपना डाल पाओगे इजीली। ओके, यहाँ पे जैसे हमने एम्प्लॉय की लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, जो भी आप एम्प्लॉय ऐड करते हो, यहाँ पे एम्प्लॉय को ऐड करने के बाद अटेंडेंस का आ जाएगा तो ऐड अटेंडेंस करना है, अटेंडेंस के लिस्ट, डेट वाइज अटेंडेंस यहाँ पे चेक कर पाओगे, पेरोल के लिए ऐड बेनिफिट आप यहाँ पे डाल सकते हो, बेनिफिट की लिस्ट आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। इसके बाद एज सैलरी का सेटअप करना है तो यहाँ से सैलरी सेटअप हो जाएगा, सैलरी सेटअप के लिए हम यहाँ पे एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे,
सैलरी का टाइप डालेंगे, बेसिक सैलरी क्या है, क्या टैक्स है, हम यहाँ डाल सकते हैं, ग्रॉस डिडक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो सैलरी से आपका लिस्ट आप यहाँ पे देख पाओगे, एम्प्लॉय वाइज इसका सैलरी का जनरेट करनी है, सैलरी जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, मंथ सेलेक्ट कीजिए देन जनरेट, तो सैलरी जनरेट हो जाएगी। सैलरी की सीट देख सकते हो, पेमेंट देख पाओगे, एक्सपेंस की यहाँ पे आइटम एक्सपेंस लिस्ट, एड एक्सपेंस करना है, एक्सपेंस की लिस्ट आप यहाँ पे देख पाओगे। लोन्स है तो एड पर्सन कीजिए, पर्सन का लिस्ट यहाँ चेक कर पाओगे, एड लोन कर सकते हो, एड पेमेंट कर सकते हो, लोन का लिस्ट और पर्सन का लेजर आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। इसके बाद टैक्सेस हैं, तो टैक्स सेटिंग्स में हम यहाँ पे जाएंगे तो नंबर ऑफ टैक्स कैसा रहता है वो आप डाल सकते हैं। नंबर ऑफ टैक्स हमने 5 डाला है, तो टैक्स नेम, टैक्स टू, टैक्स थ्री, वो कौन सा हो सकता है, तो जैसे हमने यहाँ पे डाला थी, तो टैक्स नेम हो सकता है IGST सिंपली, यहाँ पे हो सकता है CGST, SGST, इस तरीके से जो भी आपके रहते हैं वो आप डाल सकते हो। वैट टैक्स रहता है तो वैट टैक्स डाल सकते हो, तो और यहाँ पे इनकम टैक्स है तो यहाँ पे इनकम टैक्स भी यहाँ पे डाल पाओगे। जैसे स्टार्टिंग अमाउंट क्या है, एंड अमाउंट क्या होगा, और टैक्स रेट अपना क्या है वो हम यहाँ पे डालेंगे। एड मोर भी कर सकते हैं, वो पूरा ऑप्शन है। सेटअप करेंगे तो यहाँ पे सेटअप हो जाएगा, ये देखिए यहाँ ये सेटअप हो गया, तो इस तरीके से रहेगा। इसके बाद सर्विसेज हैं, तो अगर आप मेडिसिन के अलावा सर्विसेज भी कुछ रखते हो तो सर्विसेज ऐड कर सकते हो। आपको सर्विसेज के इनवॉइसेस बनाने हैं, सर्विसेज के इनवॉइस बना सकते हो, इनवॉइस का लिस्ट, मेडिसिन सर्च करनी है, इनवॉइस सर्च करना है, परचेज सर्च करना है, वो आप कर सकते हो। आपको एड यूजर करना है, यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे एम्प्लॉय बनाने के लिए, यहाँ से यूजर बना पाओगे, यूजर का लिस्ट आप कंप्लीटली यहाँ चेक कर सकते हो, एड यूजर करना है वो हो जाएगा। करेंसी आपको डालनी है, मल्टी करेंसी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, करेंसी के बाद सेटिंग्स में हम यहाँ पे जाएंगे तो कुछ चेंजेस है, जैसे ईमेल, फोन, लैंग्वेज, करेंसी, डिस्काउंट का टाइप क्या रखना है, टाइम जोन, वो आप यहाँ पे मैनेज कर पाओगे। और इसके बाद यहाँ पे जैसे पैनल सेटिंग्स हैं, तो पैनल सेटिंग्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो आपको छोटा बहुत चेंजेस करना है वो पैनल की सेटिंग यही से हो जाएगा। आपको जैसे ऐड रोल करना है तो ऐड रोल कर सकते हो, रोल का नेम, उसको क्या क्या परमिशन देनी है वो परमिशन सेलेक्ट करेंगे एंड देन ऐड रोल, तो जिससे आपका स्टाफ जो रहेगा आपके सॉफ्टवेयर को मैनेज कर पाएगा इजीली। लिस्ट देख सकते हो, असाइन रोल करना है, मल्टी लैंग्वेज है तो लैंग्वेज भी कर सकते हो। यहाँ जैसे मैंने ये यूजर सेलेक्ट किया, रोल सेलेक्ट किया, एंड ऐड कर दूंगा तो उसको वो रोल मिल जाएगा। मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, पूरे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे जो स्टॉक आउट मेडिसिन का देता है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, नोटिफिकेशन ये चेक कर पाओगे, ये सारा मिल जाएगा। इजीली आप मैनेज कर सकते हो अपने इसको, मैनेजमेंट को। थैंक यू।